ट्यूसडे का दिन है दोस्तों, आज 7th of June है और मॉर्निंग के 10:51 का टाइमिंग हो रहा है। बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हम हमेशा की तरह आए हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखो एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन होते हुए नज़र मुझे आ रही है। अभी बियर फ्लैग क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके उसका मतलब अंदाज़ा ले सकते हो। गैप डाउन मार्केट खुली और अभी इस रेंज में वो ट्रेड किए जा रही है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग तो अभी बियर फ्लैग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बुलिश एंट्रीज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे 2 बार 3 बार उसने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट भी लिया है करीबन 4 बार, और ये 5वीं बार अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ऐसे लोगों को लग रहा है। लेकिन ब्रेक डाउन होते ही हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। मैं बुलिश साइड की एंट्री इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है। सो 34,800 की कॉल यहाँ पे हम बाय करेंगे, और साथ ही साथ देखो अगर आप प्रॉपरली देखने की कोशिश करोगे तो 35,000 का जो एरिया है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मतलब अपनी पोजिशन का स्टॉप लॉस या फिर नई एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सो इस ड्रॉइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखने की कोशिश करोगे तो ये वाला जोन जो आपको नज़र आ रहा है ये एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने वहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम अगर हमारी एंट्री का प्लान करें तो बिल्कुल सपोर्ट के पास अगर वो जब आएगा कोई भी एक कैंडल बनाने के लिए, उस वक्त हम हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर कर लेंगे दोस्तों। फिलहाल मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ इंतज़ार करने वाले हैं उस जोन का दोस्तों। सो दोस्तों ऑलमोस्ट 8 या 9 मिनट के बाद ये आया हुआ है हमारे एंट्री के पास। मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी बैठा हूँ मतलब बाइंग करने के लिए, जस्ट मुझे सिर्फ इंतज़ार ये है कि एक बार उसने वो लाइन को टच कर लेना चाहिए दोस्तों। मैं बिल्कुल यहाँ पे बाय के लिए रेडी बैठा हूँ, और ये इसने कर दिया है अपने एंट्री को ट्रिगर। 464.23 पे माल मिला है, टारगेट स्टॉप लॉस सारी बातें स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हुई है हमारी एंट्री। सो एक बार ये जो डे लो है, चलो एक बार सबसे पहले ना हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपना टारगेट सिस्टम में प्लेस करके रखते हैं। सो 479 के आसपास होना चाहिए आई गेस, 16 पॉइंट है ना। सो 464.23 प्लस 16 अगर मैं करता हूँ तो 480 का रेट दिखा रहा है, चलो 481 प्लेस कर देंगे हम। 17 पॉइंट का टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है दोस्तों। देखो ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही करंटली देखा जाए तो 1700-1400 के प्रॉफिट में नज़र आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों ट्रेड का प्लान करने का और आपका जो लेवल है उसका इंतज़ार करने का दोस्तों। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रही है ये मेरे मतलब बैंक निफ्टी की आज के एनालिसिस करी हुई है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसको पोस्ट करते रहता हूँ दोस्तों, तो अगर आपको मेरे एनालिसिस फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। देखो जहाँ पे हमने एंट्री करी थी वहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन आ रही है। अभी टारगेट अगर आपको लगाना ही है, मैं तो नॉर्मली स्कैल्पिंग मतलब 16-15 पॉइंट मिलते निकल जाता हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर टारगेट के लिए इंतज़ार करना है ना तो ऊपर से नीचे तक आप फिबो ड्रॉ करो, और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट्स जो होती है ना वो रिट्रेसमेंट्स आप एज ए टारगेट करके काउंट कर सकते हो। 38% की रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाती है डाउन ट्रेंड में, सो वो रहेगा आपका टारगेट नंबर 1। 50% की रिट्रेसमेंट रहेगा आपका टारगेट नंबर 2, और अगर आप उससे भी छोटा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 23% की जो रिट्रेसमेंट है उसको भी आप एज ए टारगेट करके कंसीडर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पे 16 पॉइंट का 17 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी प्लेस करके रखा है मेरे सिस्टम में। अभी देखना सिर्फ ये है कि इस किस प्रकार मतलब एग्जीक्यूशन इसका आगे जाके होता है। अभी मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस का भी तो प्लान करना है ना दोस्तों। सो देखो ये सारे रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 940 के आसपास आई गेस हम टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो करंटली ये चल रहा है अपने एंट्री के ऊपर, हमारा ट्रेड तो प्रॉफिट में है। स्टॉप लॉस कहीं पे 980, ये तो आज का डे लो है, डे लो तो ब्रेक हो सकता है मतलब फ्लिप लगा के वो फिर से ऊपर जा सकता है। 960 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप लॉस जोन रहेगा ये अपना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अभी आगे जाके मतलब आगे चल के ये वाला ट्रेड हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है।
करंटली देखा जाए तो 700-800 रुपीज़ के नुकसान में चल रहा है, बट नथिंग टू वरी। टारगेट हमने सिस्टम में प्लेस करके रखा है और स्टॉप लॉस हमारे स्क्रीन के मतलब हमारी आंखों के सामने है दोस्तों। देखो बढ़िया एक मोमेंटम 1800-1900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे 2000 तक ये पहुँच चुका है। 746 का रेट जस्ट अभी मैंने स्क्रीन पर देखा है, 76.75, बस 4 या 5 पॉइंट दूर है हम हमारे टारगेट से। देखो कितनी बढ़िया मोमेंटम आ रही है ना वहाँ से। सो ये सारी चीज़ें आपको मतलब सीखने के लिए आनी चाहिए दोस्तों। इसकी मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये अभी जैसे देखो यहाँ पे आप मतलब T1 जो है वो 80% इसकी प्रोबेबिलिटी को उसको हिट करेगा, और T1 अगर हिट होता है तो T2 और T3 भी मतलब टारगेट सारे अपने अचीव हो जाएंगे। एक अच्छा खासा रिवर्सल वहाँ से हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा T3 ये रहेगा आपका 50% का जो रिजेक्शन है मतलब वहाँ पे फिबो का वो वाला लेवल है दोस्तों। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, ये है हमारे फिबो के रिट्रेसमेंट के लेवल्स दोस्तों। देखो अभी करंटली मतलब देखा जाए तो ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में ही चल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे ना ये वाली जो मतलब ट्रेंड लाइन बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको टारगेट अचीव करना है तो। अगर इस ट्रेंड लाइन को किसी भी कारण बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो वो क्विकली हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगी, ये भी आप माइंड में रखना। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, ट्रेड को अभी हम चलने देते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें अभी यहाँ पे रेडी रहना होगा क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था मार्केट ने उसको कर दिया है ब्रेक और अपना स्टॉप लॉस भी हिट किया। चलो निकलते हैं यहाँ से। 442 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस लगा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड में। हमने मतलब 35,000 का जो लेवल था उसको इम्पोर्टेंस दिया, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी थे और नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में जो सपोर्ट्स होते हैं, अभी फर्स्ट टाइम ये नीचे आ रहा था तो सपोर्ट्स ऐसे डायरेक्टली मतलब ब्रेक नहीं हुआ करते हैं दोस्तों। इस तरह से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही थी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1, 2, 3 टाइम उसने कोशिश करी थी, यहाँ पे उसके मल्टीपल टचेस हो रहे थे दोस्तों। इसको एक बियर फ्लैग बोला जाता है। यहाँ पे उसने एक ब्रेक डाउन किया था, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बावजूद मुझे वहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी नज़र आ रहा था। 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था और यहाँ पे कहीं पे मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको ड्रॉइंग को रिमूव कर देता हूँ, और ये वाला जो जोन था ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। उसने थोड़ा सा वहाँ पे मतलब कोशिश किया भी, हमारा टारगेट सिर्फ 4 पॉइंट के लिए वहाँ पे मिस हुआ है दोस्तों। और आगे की कहानी आप लोगों के सामने। यहाँ पे हमारी कहीं पे एंट्री हुई थी और ये था आज का डे लो, उसके नीचे जैसे ही उसने ब्रेक किया हमारा वो स्टॉप लॉस लेके गया और इसी तरह से आज के दिन 4300 का नुकसान हमने बुक किया दोस्तों। नुकसान बुक किया है तो यहाँ पे मतलब आपकी साइकोलॉजी वगैरह ख़राब हो जानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग लॉस होने के बाद मतलब उनके माइंड में एक डर बैठ जाता है, वो मतलब अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाते। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है दोस्तों। ट्रेडिंग को एज एक बिज़नेस की तरह मतलब कंसिडर करने की कोशिश करो। आज लॉस हुआ है तो कल एक नया फ्रेश डे हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखते हैं, आई होप आपने आज जो मैंने मिस्टेक की, एक्चुअली इसको मिस्टेक नहीं बोल सकते, मैंने एक मतलब रिस्क लिया था, छोटा सा डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, तो उससे आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा दोस्तों। डाउन ट्रेंड में जब आप मतलब काफ़ी साल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तभी आप मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करने की कोशिश करो दोस्तों। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में अगर आप बिगिनर हो तो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। तो अभी हम फिर से मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।